जो सकत कैसे हैं आप लोग। तो आज की वीडियो में हम खेलने जा रहे हैं GTA 5। तो पिछले एपिसोड में हुआ था कि हम गए थे एक सेलिब्रिटी की कार चुराने। तो फिलहाल के लिए जो प्लान था लेस्टर का था, तो सेलिब्रिटी की कार हमने चुरा ली थी। उसी के साथ हुआ ये था कि जैसे हमने कार चुराई, उसके बाद मैंने फ्रैंकलिन को कॉल कर दिया था कि हमें एक बंदा चाहिए जो इस कार को पूरी तरह से मॉडिफाई कर दे, उसी के साथ पेंट कर कैसा कर दे कि उस बंदे को पता ही ना चले कार किसकी है। तो फिलहाल के लिए वो बंदा आया था, उसके साथ ही वो अपने गैराज पर लेकर चला गया। इतना ज्यादा काम यहाँ पर नहीं होगा, मैं जाकर अपने गैराज में से काम कर लूंगा, उसके बाद मैं तुम्हें कॉल करके बता दूंगा। तो फिलहाल के लिए उसके पास मतलब उसका कोई भी कॉल नहीं आया, उसने नंबर दे दिया था। तो फिलहाल के पास मैं उसको कॉल करने वाला हूँ उसी के साथ। उसके बाद मैं शूज के मतलब गैराज पर जाने वाला हूँ, उसके बाद मैं उसके गैराज से वो गाड़ी लेकर आने वाला हूँ। तो सबसे पहले बाहर से उसके पास कॉल कर देते हैं। अगर आपने पिछला एपिसोड नहीं देखा तो जाकर देख लेना, आपको चैनल पर मिल जाएगा या फिर आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। तो फिलहाल के लिए मैं उस बंदे के पास कॉल कर लेता हूँ, उस बंदे से पूछ लेता हूँ कि हमारी गाड़ी रिपेयर हुई या फिर नहीं। उसके बाद उससे पैसे ही पूछने, कितने पैसे हो गए उसे देने भी हैं, क्योंकि अगर पैसे नहीं देंगे तो भाई साहब काम कैसे करेगा वो बंदा। तो फिलहाल के लिए उसके पास मैं कॉल करता हूँ, उसके बाद देखते हैं भाई साहब अगर गाड़ी ठीक हो चुकी है तो उससे पास लेने चलते हैं। तो फिलहाल के जल्दी जल्दी मैं अपना मोबाइल निकालता हूँ और यहाँ पर कॉल कर लेते हैं। तो फिलहाल ये रहा नंबर। सुबह के फिलहाल के लिए मेरे उस बंदे से बात हो चुकी है और बंदा कह रहा है कि तुम जल्दी जल्दी मेरे मतलब जो गैराज है वहां पर आ जाओ, काफी ज्यादा बड़ी दिक्कत हो गई है। तो फिलहाल के लिए मैं जल्दी जल्दी जाने वाला उसके गैराज पर, पता नहीं क्या दिक्कत हुई। उसने कहा कि मैं तुम्हें यहीं पर आकर सारा का सारी बात आऊंगा। तो जल्दी जल्दी चलते हैं उसके गैराज पर, वही जाकर उससे बात करते हैं कि क्या प्रॉब्लम हुई है, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तो उसके गैराज पर जाकर हम उससे बात कर लेंगे। अगर गाड़ी का कुछ हुआ या फिर गाड़ी का कुछ नुकसान हुआ, मुझे लगता है शायद तो कोई पार्ट नहीं मिल रहा होगा गाड़ी का, जिसलिए वो काफी ज्यादा बड़ी चिंता कर रहा है कि इस गाड़ी का इतना ये पार्ट नहीं मिला, तो शायद इसलिए चिंता कर रहा है, वरना कोई ऐसी बात तो नहीं होनी चाहिए। तो फिलहाल के लिए उसका गैराज है कहाँ तो मुझे पता ही नहीं। तो फिलहाल के लिए मार्क कर लेता, उसकी लोकेशन दी थी तो उसने मुझे लोकेशन सेंड की थी, वहीं पर मैं मार्क कर लेता हूँ। सुबह फिलहाल जल्दी जल्दी अपनी गाड़ी को भगाते हैं, उस बंदे के लोकेशन पे चलते हैं। उसका गैराज इतने ज्यादा दूर नहीं है, मतलब पास में ही है, तो उसने लोकेशन तो मुझे दी थी। अच्छा वो मैंने उससे लोकेशन ले ली थी, वरना आज मुझसे गैराज मिलता ही नहीं। तो थोड़ी सी आगे चलना, उसके बाद उसका गैराज आ जाएगा, उसके पास हम जाकर उससे बात कर लेंगे क्या दिक्कत होगी या फिर कोई पैसे के ऊपर मतलब उसने सोचा होगा कि पैसे ना मिले। तो फिलहाल के लिए अगर पैसे की बात होगी तो अभी उसे पेमेंट कर देंगे गाड़ी के लिए। तो फिलहाल के लिए सामने वो बंदा बैठा हुआ खड़ा हुआ है, तो फिलहाल के लिए उस बंदे चलकर बात कर ले, अपनी गाड़ी को यहीं पर पार्क करते हैं, उस बंदे से चलकर बात कर लेते क्या प्रॉब्लम हुई है। सो गाइस फिलहाल के लिए मैं इस बंदे से बात हो चुकी है और काफी ज्यादा बड़ी गलती कर दी इस बंदे को गाड़ी देकर, आपको बाद में बताऊंगा। तो फिलहाल के लिए जो मेरी कार है मैं उसे लेकर और इसे पार्किंग एरिया में लगाता हूँ, उसके साथ यहाँ पर कोई और दूसरी कार होगी तो मैंने इसको कह दिया मैं यहाँ पर अभी पार्किंग में लगा रहा हूँ, तुम जल्दी जल्दी से मेरे घर पर भेज देना। उसके साथ ही जो मेरी दूसरी गाड़ी का मैटर है उसे मैं सोल्व करने जा रहा हूँ। तो फिलहाल के लिए मैं आपको बता दूँ, हुआ ये है कि यहाँ पर एक बंदा आया था, तो काफी ज्यादा बड़ा गैंगस्टर था, तो उसकी लोकेशन भी इसने दी है, तो यहाँ पर उसकी लोकेशन है। तो फिलहाल के इसने बताया कि एक बंदा आया था, तो वो काफी ज्यादा बड़ा गैंगस्टर है यहाँ का। तो उसने कहा कि जो ये गाड़ी उसको पसंद आ गई, उसने कहा कि जिस बंदे की उसे तुम मेरी लोकेशन दे देना, वहां पर मुझसे मिलने के लिए आ जाएगा। अगर इसके पैसे चाहिए तो पैसे ले लेगा, अगर इसके पैसे नहीं चाहिए तो उस बंदे को ये वो लोग मार देंगे। तो फिलहाल के लिए इस बंदे को भी काफी ज्यादा नुकसान हुआ है, तो मतलब इसने जो गाड़ी रिपेयर करवाने के लिए वो बंदा आया तो उसने इसकी भी गाड़ी उठा ली, दो गाड़ियां यहाँ से लेकर गए हैं। तो फिलहाल के लिए यहाँ पर और कोई गाड़ी तो नहीं है, मैं यहीं से उठी से उठाकर लेकर चलता हूँ। तो फिलहाल उस बंदे से जाकर बात करते हैं और क्या प्रॉब्लम है उसे, हमारी गाड़ी क्यों उठा कर लेगा, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, तो उस बंदे से जाकर बात कर लेते हैं। तो बैनी ने मुझसे पूरी तरह से बात बता दी है कि क्या हुआ था। तो इसने कहा कि मैं जब तुम्हारी गाड़ी रिपेयर कर रहा था, फिलहाल के लिए मतलब तो पूरा का पूरी गाड़ी रिपेयर हो चुकी थी, थोड़ा बहुत पेंट रहता था। तो उसने कहा कि तभी एक बंदा आया गाड़ी रिपेयर करने के लिए, वो मेरे मतलब रेगुलर कस्टमर है, मतलब काफी बार इसके पास आता जाता रहता है। तो जैसे वो आया उसने गाड़ी काफी ज्यादा पसंद आ गई, उसने कहा कि गाड़ी किसकी है, तो उसने बताया कि माइकल नाम का कोई बंदा है तो उसकी है। तो फिलहाल के लिए उसने कहा कि तुम गाड़ी मुझे दे दो, इसके बदले वो तुम्हें पैसे दे देगा। तो फिलहाल के लिए उसने पैसे देने के लिए मना कर दिया था, तो उसने वो गाड़ी उठा ली। तो उसके साथ एक और बंदा था, उसका नाम ट्रेवर बताया था उसने शायद, तो वो जो बंदा था तो फिलहाल के लिए वो यहाँ से इसकी गाड़ी लेकर चला गया। तो जो इसकी गाड़ी थी, दो गाड़ी उठाई, एक तो मेरी वाली, उसके साथ ही एक और उसकी गाड़ी थी, वो भी उसकी गाड़ी उठा कर ले गए। तो इसने कहा कि तुम्हारी गाड़ी का मैटर है, वो पैसे मैं नहीं दे सकता, तुम उससे जाकर बात करो। तो फिलहाल मैं उस बंदे के पास ही जा रहा हूँ, उसे जो लोकेशन दी थी उसके पास ही जा रहा हूँ, उसे जाकर बात करेंगे कि हमारी गाड़ी क्यों उठा कर लेकर आया और हमारी गाड़ी क्यों नहीं दे रहा। तो फिलहाल के लिए अपनी गाड़ी को जल्दी जल्दी भगाते हैं, उसके बाद वहीं पर जाकर पूरी तरह से प्रॉब्लम समझ में आएगी कि भाई साहब क्या दिक्कत हुई और हमारी गाड़ी क्यों नहीं दे रहा वो बंदा। उसका घर काफी ज्यादा दूर है, यहाँ पर देख सकते पूरे पूरे
मतलब टेढ़ा मेढ़ा रास्ता बना रखा जैसे शिमला की तरफ होता है, काफी ज्यादा खतरनाक। तो उसके साथ ही यहाँ पर देख सकते थोड़ा सा मतलब जो रोड है काफी ज्यादा यहाँ पर अच्छा आया है, क्योंकि वहां पर काफी ज्यादा घर थे, यहाँ पर एक और रोड गया था, यहाँ पर काफी ज्यादा व्हीकल्स आ रहे हैं इस रोड पर। उसके साथ ही यहाँ पर एक गाड़ी बंद पड़ी खड़ी हुई है, तो यहाँ पर शायद कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है इस एरिया में, मतलब कई दिनों के बाद आया हूँ मैं। तो फिलहाल के यहाँ पर देख सकते हो गाइस, यहाँ पर ये बार बार गाड़ी आ रही है, यहाँ पर देख सकते हो टर्न लगा रहा है जल्दी जल्दी, यहाँ पर मेरी गाड़ी ठुकी। तो फिलहाल के लिए मेरी गाड़ी नहीं है ठुकने का, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पर जो पहाड़ी एरिया काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा है, यहाँ पर शेर भी हो सकता है जो कभी भी अटैक कर सकता है लोगों के ऊपर। लेकिन इतना ज्यादा रोड चल रहा है, मतलब व्हीकल चल रहे, तो शायद मतलब शेर कुछ भी नहीं आएगा यहाँ पर। तो फिलहाल के लिए यहाँ से मुझे दोबारा से टर्न लेना है। और यहाँ पर देख सकते हो काफी ज्यादा यहाँ पर गाड़ियां घूम रही है, और इतनी ज्यादा मतलब खास गाड़ियां लोगों के पास नहीं है जितनी हमारे पास थी, वो लैम्बोर्गिनी सियान, इतनी ज्यादा खास गाड़ियां नहीं है। तो फिलहाल क्या जल्दी जल्दी भगाते हैं उस बंदे के पास, चलते हैं उस बंदे जाकर पूछते हैं भाई साहब क्या प्रॉब्लम हुई है। सो गाइस फिलहाल के लिए काफी देर की ड्राइविंग के बाद उस बंदे का घर काफी ज्यादा नजदीक हो चुका है, क्योंकि पहले तो बहुत ज्यादा दूर था। तो फिलहाल के लिए हम पहुंचने वाले उस बंदे के पास, और ये गाड़ी बिना बात ठुक गई, और कोई बात नहीं मेरी कौन सी है जो मैं इतनी टेंशन ले रहा हूँ। तो फिलहाल के लिए यहाँ से टर्न लेना, और उस बंदे का घर काफी ज्यादा नजदीक है, तो यहाँ पर काफी ज्यादा हैवी व्हीकल्स चल रहे हैं, मतलब यहाँ पर सामान ले जाने आने ले जाने के लिए शायद वर्क कर रहे हैं। उसके साथ ही यहाँ पर गाड़ियाँ काफी ज्यादा घूम रही है। तो फिलहाल के लिए यहाँ पर काफी ज्यादा बड़ा है, यहाँ पर किसी ने खेत ले रखे हैं, तो काफी ज्यादा भाई सब देख सकते, पता नहीं क्या लगा रखा है, लेकिन काफी ज्यादा ग्रीनरी। और ये बंदा कहाँ पर चला था पता नहीं यार, यहाँ पर लोग खड़े होकर नजारे ले रहे हैं, तो काफी ज्यादा अच्छा व्यू है यहाँ का, इसलिए यहाँ पर काफी ज्यादा लोग खड़े हुए हैं। तो यहाँ पर देख सकते पूरी की पूरी पहाड़ी के ऊपर चलकर मतलब चढ़कर आए हैं हम, यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर पूरे सारे मतलब खेत ही खेत है, इधर देखो या फिर किधर भी देख लो। उसी साथ यहाँ पर काफी ज्यादा बड़ा यहाँ पर मेंशन दिख रहा है, शायद ये उसी बंदे का जिसने मतलब जिस बंदे ने हमारी गाड़ी उठाई थी। तो फिलहाल के यहाँ पर चलते, और यहाँ पर सिक्योरिटी भी काफी ज्यादा है। तो फिलहाल के लिए अपनी गाड़ी को कहाँ पर पार्क करते हैं, तो कोई बात नहीं, यहाँ पर पार्किंग के लिए कुछ गाड़ियाँ मतलब जो कुछ जगह खाली, और यहाँ पर कुछ गाड़ियाँ पहले से ही खड़ी हुई है। तो यहाँ पर 5 से 6 गाड़ियाँ इस तरफ खड़ी है, और 3 से 4 गाड़ियाँ उस तरफ खड़ी हुई है। तो यहाँ पर नॉर्मल गाड़ियाँ खड़ी है, लेकिन सामने तरफ काफी ज्यादा अच्छी अच्छी सुपर कार खड़ी हुई है। तो तीन यहाँ पर 3 4 5 6 5 6 यहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी हुई है। तो फिलहाल के यहाँ पर देख सकते हो इतनी ज्यादा खतरनाक गाड़ियां हैं। उसी के साथ ये रही हमारी लैम्बोर्गिनी सियान, और पूरी पुलिस का लुक चेंज कर दिया है बेनी ने। तो फिलहाल के यहाँ पर गार्ड खड़ा हुआ, इससे मुझसे बात करनी पड़ेगी, वो तुम्हारा मालिक कहाँ है, उससे चलकर बात करते हैं कि भाई साहब मेरी गाड़ी उठाकर क्यों लेकर आए थे। तो फिलहाल के यहाँ पर जो गार्ड है इससे बात कर लेते हैं। सुबह सुबह मेरे से बात हो चुकी है, ये कह रहा है कि तुम अंदर चले जाओ, उसके साथ स्टेयर से होते हुए तुम्हें मतलब सीधे जाने, उसके साथ राइट ले लेना, वहां पर कमरा ले, लेकिन जो मतलब तुम जैसे कमरे के अंदर जाओगे तुम्हें पहले चेकिंग करवानी पड़ेगी, और जितनी वेपन्स है अगर तुम्हारे पास पहले ही है तो उसे जाकर दे देना, उसके बाद ही तुम्हें अंदर जाने की परमिशन है। तो फिलहाल अंदर चलते और इसे वेपन दे देते हैं, यहाँ पर ये रहा बंदा। सुबह फिलहाल के लिए मेरे पास जितने वेपन थे मैंने इस बंदे को दे दिया, मेरे पास कोई भी वेपन नहीं है, मैं अंदर जाकर बात करता हूँ। यहाँ पर पहले से एक बंदा है, उसके साथ ही जो सामने तरफ जो बॉस बैठा हुआ है, ये दोनों आपस में बात कर रहे थे, उसके साथ ही अब ये चुप हो चुके हैं। तो फिलहाल मैं इस बंदे से मैं जाकर बात कर लेता हूँ। सुबह फिलहाल मेरे उस बंदे से बात हो चुकी है, उसने काफी ज्यादा बढ़िया मतलब गैंगस्टर है यहाँ का, उसने कहा है कि अगर तुम अंडरवर्ल्ड से मतलब दुश्मनी लेना चाहते हो तो अपनी गाड़ी लेकर जा सकते हो, अगर तुम अंडरवर्ल्ड से दूर रहना चाहते हो तो हम तुम्हें पैसे दे दें, जितने की तुम्हारी कार है जो भी तुम इसकी कीमत मांगोगे तो हम तुम्हें वो दे देंगे, लेकिन तुम्हें कार यहीं पर छोड़कर जानी पड़ेगी। तो फिलहाल मेरे कार छोड़ने का बिल्कुल भी मूड नहीं है, मैं अपनी कार लेकर जाने वाला हूँ। इसने कहा है कि अगर तुम्हें किसी भी मतलब बंदे से अगर लड़ाई करनी है या फिर किसी से तुम्हारी दुश्मनी है तो उसे बंदा खत्म कर देगा, तुम्हें कोई भी डरने की जरूरत नहीं है, अब तुम उसके बदले तुम्हें इसे कार देनी पड़ेगी, और ये हमारा दोस्त हो जाएगा, हम इसे कार दे देंगे। तो फिलहाल के लिए बिना बात दोस्ती बनाने के लिए मेरी आदत नहीं है, तो फिलहाल के लिए मैं अपनी गाड़ी लेकर यहाँ से जाने वाला हूँ, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है, ये बंदा जो चाहे वो कर सकता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं ये गाड़ी लेकर अपने घर पर जाने वाला हूँ। तो फिलहाल के लिए देखते भाई सब, ये रहा यहाँ पर गाड़ी, और फिलहाल के लिए मैं अपनी गाड़ी लेकर यहाँ से निकलता हूँ, क्योंकि मुझे इस बंदे में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि ये काफी ज्यादा बड़ा गैंगस्टर हो रहा है, हम भी काफी ज्यादा बड़े गैंगस्टर बनने की फिराक में यहाँ पर घूम रहे हैं। ये बंदा मतलब जो गैंगस्टर्स हैं ये कभी एक दूसरे के नहीं हो सकते। तो फिलहाल तो जल्दी जल्दी अपनी गाड़ी यहाँ से लेकर निकलते हैं। उसके साथ ही जो बंदा वहां पर खड़ा हुआ था एक, और उसका नाम था ट्रेवर।
तो फिलहाल के लिए मैं ट्रेवर से पहली बार मिला हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है। वो भी काफी ज्यादा खतरनाक बंदा, उसके बारे में मैंने पहले से सुन रखा है। और ये जो दूसरा बंदा था जो इसको हमारी गाड़ी उठाकर आया था, उसका नाम था डगन बोस। तो फिलहाल के लिए अपनी गाड़ी लेकर चलते हैं। और जो उसकी डील थी, मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है उसकी डील में। तो फिलहाल के लिए जो गाड़ी है, उसका कलर भी मुझे चेंज करवाना पड़ेगा। मुझे बिल्कुल भी, मतलब ये येलो कलर तो काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, लेकिन जो साइड साइड में थोड़ा बहुत ब्लू लग रहा है, वो काफी ज्यादा बेकार लग रहा है। ये बंदा आज जो मतलब पूरी अच्छी तरह से हुई भी नहीं थी, और बिल्कुल भी वहां से उठाकर लेकर आ गया था कि भाई तुम्हें बाद में लेकर, मतलब जो पीछे रिपेयर करवानी पड़ेगी या ठीक करवानी पड़ेगी, उसके बाद कलर करवा लेगा। तो फिलहाल के लिए मैं अपनी गाड़ी लेकर आ चुका हूँ। उसके कंट्रोल्स भी थोड़े बहुत बिगड़े हुए हैं, ये भी मेरे हिसाब से मैंने अभी तक ठीक नहीं किए थे। तो फिलहाल के लिए जल्दी जल्दी अपने घर पर चलते हैं। घर पर चलने के बाद बैनी को कॉल कर देंगे और बैनी को बता देंगे हमारी गाड़ी लेकर आ चुके हैं, तुम भी जल्दी से जल्दी यहाँ पर इसे रिपेयर करने के लिए आ जाओ। तो फिलहाल तो देख सकते हो कंट्रोल बिल्कुल ही बेकार हो चुके हैं, कोई भी मजा नहीं आ रहा है जो लैम्बोर्गिनी को चलाने में। तो फिलहाल के लिए जो कंट्रोल है वो भी ठीक करवाने पड़ेंगे, जो पेंट है वो भी अच्छी तरह से करवाना पड़ेगा। तो काफी ज्यादा मतलब स्पीड तो ठीक पकड़ रही है, लेकिन जो कंट्रोल में काफी ज्यादा पूरी प्रॉब्लम हो रही है। तो फिलहाल के लिए मैं अपनी गाड़ी को भगाते हुए जल्दी जल्दी चलते हैं अपने घर की तरफ। सुबह से एक और बात फिलहाल के मैं आपको बता दूं कि हमने अंडरवर्ल्ड से मतलब दुश्मन तो ले लिया। वो बंदा अब शांत नहीं बैठा, क्योंकि उसकी जो कार थी उसे काफी ज्यादा, ये कार थी काफी ज्यादा पसंद आ गई थी, तो इसलिए कह रहा था कि ये गाड़ी दे दो, उसके बदले कीमत नहीं दीजिएगा। और ये बंदा बिना बात क्यों कर रहा, फिलहाल के लिए इसके ऊपर मैं गाड़ी चढ़ा देता हूँ। उसके साथ ही अब ये बंदा भाई सब दोबारा से उठ गया बंदा। तो फिलहाल के लिए इसे दोबारा से मैं नीचे डाल दूँ, कोई दिक्कत नहीं। तो फिलहाल के लिए यहाँ पर दोबारा से मैंने इसे टक्कर मार दिया, और इसके बाद आपकी बात इसका ब्लड भी निकला। ये बंदा दोबारा से खड़ा हो गया, लेकिन कोई बात है आपकी बात टक्कर काफी ज्यादा खतरनाक मारने वाला हूँ। तो गाय ये बंदा मरने का नाम बिल्कुल भी नहीं ले रहा, बार बार खड़ा हो जा रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, फिलहाल के लिए बंदे को जाने देते हैं, हम जल्दी जल्दी यहाँ से चलते हैं। तो फिलहाल के लिए अपने घर की तरफ जल्दी जल्दी चलते हैं, वहीं पर चलकर हमें बहनी को भी कॉल करना है, और उसके बाद हमें बहनी को बुलाना है गाड़ी रिपेयर करने के लिए। काफी ज्यादा गंदी हो चुकी है, डेंट भी लग चुके हैं, और इसे पेंट भी दोबारा करवाना पड़ेगा। जो कंट्रोल है वो भी ठीक करवाने पड़ेंगे। आपकी बार हम उसे गैराज पे ले जाने देंगे ही नहीं, क्योंकि घर पर ही करवाएंगे। अगर गैराज पे ले जाने देंगे तो काफी बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। सो गाइस फिलहाल के लिए अपनी गाड़ी लेकर आ चुके लॉस सैंटोस के अंदर। उसी के साथ ही मैंने लेस्टो को बीच में कॉल कर दिया था। लेस्टो को मैंने बता दिया कि ये मामला हुआ कि मैंने अपनी गाड़ी दी थी ठीक करवाने के लिए। उसी के साथ वहां पर एक बॉस आया, उसने कहा मतलब वो गाड़ी उठा कर लेगा। उसके पास से मैं दोबारा से अपनी गाड़ी लेकर आ चुका हूँ। उसने कहा है कि अब तुम्हारी मतलब दुश्मनी स्टार्ट हो चुकी है। तो मैंने लेस्टर को पूरी बात बता दी। लेस्टर कहा कोई भी दिक्कत नहीं है, जब भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरे पास कॉल कर लेना, तो मैं कुछ कोई भी सोल्यूशन होगा वो दे दूंगा, या फिर कोई भी पैसे की जरूरत होगी तो पैसे भी दे दिए जाएंगे। तो लेस्टर काफी ज्यादा अच्छा बंदा है। उसके साथ हम जल्दी जल्दी अपने घर पर पहुंचने ही वाले हैं, कोई ज्यादा दूर घर पर रहा नहीं है फिलहाल के लिए। उसी के साथ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक कर देना, बेल आइकन दबा देना। डिस्क्रिप्शन फेसबुक इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, जाकर ज्वाइन कर लो यार। और लाइक करना बिल्कुल ही मत भूलना, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना, ताकि जब भी अपनी नई वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा सबसे पहले। तो फिलहाल अपनी गाड़ी को यहाँ पर ही खड़ा करते हैं, उस बंदे को कॉल करते हैं, और जल्दी जल्दी उस बंदे को यहाँ पर बुला लेते हैं। तो फिलहाल के लिए जो डोर ओपन रह गया था, तो उस बंदे को एक बार मैं कॉल कर लेता हूँ। सुबह से फिलहाल मेरे उस बंदे से बात हो चुकी है, बंदा आ रहा है। उसी के साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और मैंने कल एक गेम प्ले डाला था जो था सिटीजन स्काईलाइंस, तो अगर आपने वो नहीं देखा जाकर देख लेना। तो आज के वीडियो से इतना ही, काफी जबरदस्त गेम था। तो आज के वीडियो से मिलते हैं किसी और वीडियो में।